नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर आज 50 साल की हो गई हैं। उर्मिला का नाम 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल किया जाता था। इन्होंने जुदाई, रंगीला, सत्या, भूत, कौन जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। इनका नाम उस दौर की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में लिया जाता था। कई बार तो इन्हें हीरो से भी ज़्यादा फीस मिलती थी। टॉप पर रहने के बावजूद उर्मिला की ज़िंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया। धीरे धीरे उर्मिला का करियर डाउनफॉल पर चला गया। दरअसल इसके पीछे उर्मिला की एक जिद थी जो कि बाद में उन पर ही भारी पड़ गई। 2019 में उन्होंने पॉलिटिक्स में भी किस्मत आजमाई, लेकिन इसमें भी बात नहीं बनी। बतौर लीडिंग एक्ट्रेस उर्मिला की आखिरी फिल्म EMI 2008 में रिलीज हुई थी। इसके बाद इन्होंने फिल्मों में छोटे मोटे कैमियो किए, लेकिन बतौर हीरोइन इन्हें कोई फिल्म नहीं मिली। अब 16 साल बाद उर्मिला को OTT के जरिए एक्टिंग में कमबैक करने का मौका मिला है। वो 2024 में वेब सीरीज तिवारी में नजर आएंगी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।